गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सुबह का समय है तो मैं अब नाश्ता बनाने जा रही हूँ। तो नाश्ते में आज पकौड़ियाँ बनाऊँगी। पकौड़ियाँ मैं आलू और प्याज की बनाऊँगी। तो मैंने आलू और प्याज को अच्छे से पहले छील कर धुल लिया है और मैं इसको आलू और प्याज को कट कर रही हूँ। तो आलू को मैंने गोल काटा है और प्याज को थोड़ा लंबे कर में काटा है। और उसके बाद मैंने ये एक कटोरी बेसन लिया है, छोटी कटोरी है, और हल्दी और मिर्च है, हरी मिर्च, धनिया है, लाल मिर्च पाउडर है। तो अब इन सबको मैं एक बड़े बर्तन में डाल के सारा मिक्स कर लूँगी और नमक डालूँगी स्वाद अनुसार। तो इन सबको मिक्स करके अच्छे से, और मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, मेरा तेल गर्म हो रहा है इधर। तो मैं पकौड़ियों को फ्राई कर लूँगी भाई। और पकौड़ियाँ सब अपनी अपनी तरीके से अलग अलग बनाते हैं, कई तरीके से पकौड़ियाँ बनती हैं। तो आज मैं आलू और प्याज की पकौड़ी बना रही हूँ, मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। और आलू तो सभी को पसंद आता है, बच्चों को तो खासकर बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी पसंद है आलू और प्याज की पकौड़ियाँ। पकौड़ियाँ तो हर तरह की सभी को अच्छी लगती है। तो बस पकौड़ियाँ मेरी फ्राई हो रही है तो मैं दूसरी तरफ चाय भी मेरी खोल रही है इधर, ताकि मेरी चाय भी बन जाएगी। तो इधर पकौड़ियाँ भी, तो गर्मा गर्म पकौड़ियाँ और चाय मैं सबको दे दूँगी नाश्ता। तो आज हमारा यही नाश्ता है। आप लोग किस तरीके से बनाते हैं पकौड़ियाँ बताना ज़रूर, और किस किस को बहुत पसंद है आलू और प्याज की पकौड़ी। तो दोस्तों अभी शाम का समय हो गया है और मैं शाम के समय अभी नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। शाम के समय बच्चे बर्गर खाने के लिए बोल रहे हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आता, थोड़ा बहुत ही आता है, जितना आता है वही बना रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वीडियो इसकी। तो मैंने आलूओं को बॉईल करके मैश कर लिया है, तो वहाँ मैंने थोड़ा सा चाट मसाला इसमें डाला है और थोड़ा सा गर्म मसाला डाला है और धनिया पाउडर है, हरी मिर्च है, नमक टेस्ट के हिसाब से। तो इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मैं थोड़ा सा तेल डालकर इसकी गोल गोल टिक्कियाँ बना लूँगी और फिर मैं इसको तवे पे फ्राई कर लूँगी। नॉन स्टिक तवा है आपका तो उसमें और अच्छा है, कम ऑयल लगता है। लेकिन नॉन स्टिक है मेरे पास, लेकिन मैं अभी यहाँ पे लोहे के ही तवे पे बना रही हूँ जिस पे रोटी अब सेकती हूँ, तो उसी तवे पे ही मैं बनाऊँगी। तो इनको मैं तेल डालकर थोड़ा सा अच्छे से फ्राई कर लूँगी। टिक्किया फ्राई हो गई है मेरी, तो मैंने यहाँ पे ये पाव को पीस से कट कर लिया है और टमाटरों को स्लाइस में काट लिया है। और मैं एक साइड सॉस लगाऊंगी और एक साइड में मायोनीज लगाऊंगी। अगर आपके पास यहाँ
ग्रीन चटनी है तो और अच्छा है, आप उसको भी इसमें लगाइए। तो टिकिया रखूँगी, फिर मैं प्याज है टमाटर को लगा के इस तरीके से बना लूँगी। बस बर्गर भी बन के रेडी हो गया। और किसको खाना है, कैसा बना है भाई बताना ज़रूर, आप लोग तो देख के ही बता सकते हो। बट बच्चों ने खाया तो बच्चों को तो ठीक लगा था, अच्छा ही लगा। और आप लोग बताइए कैसा है मेरा बर्गर जो बना है। तो अभी मैं शाम का समय, यहाँ पे पास में पंडाल लगा है, मैं वहाँ जाऊँगी इसके बाद। तो आप लोगों को वहाँ की वीडियो दिखाऊँगी। तो ये देखिए, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और आज सुबह से ब्लॉग चालू किया था तो आप लोगों से बात नहीं करा। और ब्लॉग क्या, सुबह से ही मॉर्निंग से ही मैंने इतना काम था, फिर बीच में रिकॉर्ड भी नहीं करी क्योंकि ज़्यादा कुछ बनाया भी नहीं था, तो इसलिए कुछ स्पेशल तो था नहीं कि रिकॉर्ड करती वीडियो में। और पूरा मॉर्निंग से लेकिन नाइट तक का रूटीन अगर शेयर करो तो बहुत वीडियो लंबी हो जाती है और मैं नहीं चाहती सब लोग बोर हों। तो मैंने मॉर्निंग में थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया था ब्रेकफास्ट जब बना रही थी, और फिर सीधे शाम को ही रिकॉर्ड की हूँ जब शाम को ब्रेकफास्ट बना रही थी। फिर उसके बाद यहाँ पास में ही पंडाल लगा हुआ है दुर्गा जी का, तो उनके दर्शन करने गए थे हम लोग। तो आप लोगों ने वीडियो देखी तो बताइए ज़रूर कैसे लगी यहाँ की दुर्गा माता रानी। माता रानी तो है ही सब जगह एक जैसी भाई, उनके चेहरे पे एक अलग ही चमक है, उनको देख के दिल में जो सुकून मिलता है ना, लगता ही नहीं है कि यहाँ से हटो। तो मैं बहुत देर तक वहीं बैठी रही और अब आई हूँ, तो अब व्लॉग का भी एंड कर देती हूँ। तो बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में जो बेल आइकन आती है और उसको भी प्रेस करिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और भाई बस आज के लिए इतना ही, वीडियो का एंड भी कर देते हैं। रात का समय हो गया है, 10:15 सो रहे हैं भाई, मेरी बेटी है वो भी रो रही है, उसको सुला दूँ तो मैं भी सोती हूँ फिर, तो आप लोग भी सो जाइए। तो बस बाय बाय फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।